हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री लर्नोपीडिया। हम लोगों का टॉपिक चल रहा है मोजवायर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और मोजवायर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, अपना पार्ट वन कंप्लीट कर लिया था, और पार्ट टू भी हम लोग अपना कंप्लीट कर चुके थे। पार्ट टू में हम लोगों ने पैरामीटर्स में नंबर ऑफ सिग्नल्स देखा हुआ था और आइसोमर शिफ्ट देखा हुआ था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप लोग बिल्कुल ऑर्डर्ड वे में देखिए, बिल्कुल क्रम से देखना है इसको, ताकि सारी चीज़ें आप लोगों की बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में रिफाइन होती चली जाएँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एमएससी और नेट गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि इसके जो नोट्स होते हैं वो बहुत ही कम लोगों को प्रोवाइड होते हैं और ऑनलाइन भी बहुत ही कम मिलते हैं, इसलिए मैं आपको हर एक पॉइंट लिखा रहा हूँ और लिखाने के साथ साथ समझा भी रहा हूँ। तो इसको आप लोगों को समझना है कि क्या है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें कि हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या पढ़े हुए थे, पोजीशन यानी आइसोमर शिफ्ट। अब हम देख रहे हैं स्प्लिटिंग कितने टाइप की होती है। तो स्प्लिटिंग होती है हमारी दो टाइप की, क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग एंड मैग्नेटिक स्प्लिटिंग। तो इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग। तो अब हम लोग समझते हैं कि आखिर क्वाड्रोपोल होता क्या है। तो जैसे डाइपोल होता है, डाइपोल में क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस। सो द मल्टीप्लीकेशन बिटवीन मल्टीप्लीकेशन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। सो इन द सेम वे इफ वी हैव फोर चार्जेज एंड ईच पेयर हैज डाइपोल मोमेंट, सो ईच पेयर हैज डाइपोल मोमेंट, सो दीज टू पेयर हैव इक्वल एंड अपोजिट डाइपोल मोमेंट। सो द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द फोर्थ वन इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ दीज क्वाड्रोपोलर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मोमेंट आइदर वन ऑफ द पेयर ऑफ डाइपोल मोमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रोपोलर मोमेंट। सो हाउ इट जनरेट, क्वाड्रोपोलर मोमेंट का मतलब क्या होता है, हाउ इट जनरेट्स। तो मेनली हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को डिवाइड किया गया है आई वैल्यू के अकॉर्डिंग। जैसे आई वैल्यू होती है हमारे पास आई इज इक्वल टू वन एंड आई ग्रेटर देन वन, यानी ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं जिनके लिए उसके न्यूक्लियाई क्वांटम नंबर की वैल्यू हाफ होती है और उससे ज़्यादा होती है। तो ऐसे न्यूक्लियाई जिनके लिए आई इज इक्वल टू हाफ होती है, ये कहलाते हैं नॉन स्फेरिकल न्यूक्लियाई। इनको हम लोग बोलते हैं, इसको समझना है अच्छे से, स्फेरिकल न्यूक्लियाई और न्यूक्लियाइज, एंड ये कहलाते हैं नॉन स्फेरिकल न्यूक्लियाई। ये क्या कहलाते हैं, नॉन स्फेरिकल न्यूक्लियाई। सो स्फेरिकल न्यूक्लियाई को हम लोग नॉन क्वाड्रोपोलर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, नॉन क्वाड्रोपोलर न्यूक्लियाई। मतलब इनमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल होता है, एंड जो नॉन स्फेरिकल न्यूक्लियाई होते हैं इनको हम लोग क्वाड्रोपोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रोपोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। और इनमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एलिप्सॉइड के फॉर्म में होता है। ये एलिप्सॉइड या तो इस तरीके से होता है या फिर इस तरीके से होता है। तो व्हेन क्यू ग्रेटर देन ज़ीरो देन इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड समथिंग लाइक प्रोलेट, ये कहलाता है प्रोलेट फॉर्म, एंड दिस इज द कंडीशन व्हेन क्यू लेस देन जीरो एंड दिस इज कॉल्ड ओवलेट फॉर्म। सो प्रोलेट क्यू ग्रेटर देन जीरो एंड क्यू लेस देन जीरो ओवलेट, दिस इज क्यू क्वाड्रोपोलर मोमेंट, दिस इज क्वाड्रोपोलर मोमेंट। सो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि स्फेरिकल और नॉन स्फेरिकल न्यूक्लियाई होते क्या हैं। तो जब न्यूक्लियर एनर्जी लेवल का इंटरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट के साथ, मतलब सराउंडिंग के साथ होता है, न्यूक्लियर एनर्जी लेवल का सराउंडिंग के साथ कांटेक्ट होता है या उनके साथ इंटरेक्शन होता है, तो क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग होती है। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा है, क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग रिफ्लेक्ट्स द इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स एंड सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। ठीक है, तो इस सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, इन शॉर्ट हम लोग इसको बोलते हैं EFG, एंड न्यूक्लियाई इन स्टेट्स विद नॉन स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मे हैव अ न्यूक्लियर क्वाड्रोपोलर मोमेंट। न्यूक्लियाई विद
आई ग्रेटर देन हाफ। तो इस लाइन को हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया है। सेकेंड पॉइंट अब आता है कि विदाउट ईएफजी दैट मीन्स विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट ऑल द एनर्जी स्टेट्स आर डीजनरेट। मतलब अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट नहीं होगा तो क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग नहीं होगी, हम लोगों को सिंगलेट सिग्नल मिलेगा। विद इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट अगर क्वाड्रोपोलर का इंटरेक्शन या स्प्लिटिंग होनी है तो एनर्जी लेवल विल स्प्लिट इन आई प्लस हाफ एनर्जी लेवल, यानी स्प्लिटिंग आई प्लस हाफ में हो जाएगी। एंड विद क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग दैट मीन्स अगर ई एफ जी, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर ई एफ जी की वैल्यू नॉन जीरो है देन क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस एंड डबलेट सिग्नल्स विल ऑब्टेन। एंड विदाउट ई एफ जी दैट मीन्स ई एफ जी इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स देर इज नो क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग एंड सिंगलेट सिग्नल इज ऑब्टेन्ड। ओके, सो हमारे पास आप लोगों को यही सारे पॉइंट याद रखने हैं। एंड द मेन टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर सेकंड एंड थर्ड। इसी से हम लोगों का ये क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग चलेगा। तो अब हम लोग आयरन के लिए देख लेते हैं कि आयरन के लिए क्या है। सो इस बात को याद रखना है कि जब ई एफ जी हमारे पास जीरो होगा तब कोई भी क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग नहीं होगी। तो फॉर आयरन एंड टिन, फॉर आयरन 57 और SN119, इन दोनों में से हम किसी एक के लिए देख रहे हैं। दोनों के लिए ग्राउंड स्टेट में आई वैल्यू हाफ है और एक्साइटेड स्टेट में आई वैल्यू 3/2 है। सो इफ वी टॉक अबाउट द स्प्लिटिंग दिस एनर्जी लेवल, आई इज इक्वल टू हाफ, दिस इज प्लस माइनस हाफ एंड हेयर दिस इज आई वैल्यू प्लस माइनस 3/2, बट हेयर वी हैव आई इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ इज ऑल्सो। सो दिस इज ग्राउंड स्टेट एंड दिस इज एक्साइटेड स्टेट व्हेन देयर इज नो क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग। यहाँ पे आप लोगों को देखिए कि जहाँ पे भी हमारे पास क्वाड्रोपोलर मोमेंट की बात होगी वहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। यानी हम लोग दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई भी मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तब क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग होगी। यानी क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग इट विल बी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ होगा विदाउट, ये जो कंडीशन है ये विदाउट ई एफ जी है। दिस कंडीशन इज विदाउट ई एफ जी दैट मीन्स विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट एंड ओनली वन सिग्नल इज ऑब्टेन्ड, देर इज नो क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग एंड वी गेट ओनली वन सिग्नल। एंड व्हेन ईएफजी दैट मीन्स व्हेन इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी लेवल टेक्स प्लेस विद इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट और इलेक्ट्रॉनिक सराउंडिंग दैट मीन्स दैट एनर्जी लेवल विल स्प्लिट आई प्लस वन, दिस इज डीजनरेट, दीज आर डीजनरेट। विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट एनर्जी लेवल्स आर डीजनरेट एंड विद इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट्स एनर्जी लेवल्स आर नॉन डीजनरेट एंड स्प्लिट इन टू आई प्लस वन। हम लोगों की जो लाइन थी वो आई प्लस हाफ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए I प्लस वन, तो I की यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पे हाफ है। तो ये कितने एनर्जी लेवल में स्प्लिट होगा, ओनली वन एनर्जी लेवल में। ये कितने एनर्जी लेवल में स्प्लिट होगा, ये टू एनर्जी लेवल में, यहाँ पे 3/2 प्लस वन, यानी वैल्यू कितनी आएगी, टू आएगी। तो ये कितने एनर्जी लेवल में स्प्लिट होगा, टू एनर्जी लेवल में। एंड दिस वन ओनली वन एनर्जी लेवल में, थोड़ी सी एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी और ये स्प्लिट हो जाएगा ओनली वन एनर्जी लेवल, और ये स्प्लिट हो जाएगा टू एनर्जी लेवल्स में इस तरीके से। सो दिस इज प्लस माइनस 3/2 एंड दिस इज प्लस माइनस हाफ एंड दिस इज प्लस माइनस
हाफ. सो दिस इज विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट एंड दिस इज विद इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट. दैट मीन्स नो क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग. आप लोगों को एक साथ लिखना है, नो क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग एंड हेयर क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस. क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस. सो यहाँ पे अब हम लोग सिग्नल की बात करें. हाँ, यहाँ पे अब बात आती है सिलेक्शन रूल की. सो व्हाट शुड बी द सिलेक्शन रूल फॉर दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन इफ क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस. सो द सिलेक्शन रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइप ऑफ स्प्लिटिंग. सो राइट डाउन द सिलेक्शन रूल. सिलेक्शन रूल डेल्टा आई इज इक्वल टू जीरो एंड प्लस माइनस वन. सो चूज द करेक्ट वन. What should be the transition. So only there are two transitions are possible. First one plus half to plus half, that means delta I is equal to zero, and the second one is equal to this one. So here we obtain two types of signal. सो विद, या भी हम लोगों का आ गया विद विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट वी गेट ओनली वन सिग्नल एंड विद इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट वी गेट टू सिग्नल्स. सो हेयर इन द प्रीवियस वीडियो वी स्टडीड द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन वी फाइंड द मोजवायर स्पेक्ट्रा. द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन इंटेंसिटी वर्सेज स्पीड. स्पीड किसका? सोर्स का, mm पर सेकेंड. सो वी गेट अ सिंगलेट सिग्नल करेस्पॉन्डिंग टू दिस वन. वी गेट सिंगलेट सिग्नल करेस्पॉन्डिंग टू दिस वन. दिस इज सिंगलेट सिग्नल एंड हेयर वी गेट डबलेट सिग्नल. हेयर वी गेट डबलेट सिग्नल. बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है आप लोगों को जैसे मैं लिख रहा हूँ. यहाँ पे इंटेंसिटी और यहाँ पे स्पीड. स्पीड किस में? mm पर सेकंड में. और यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा? एक डबलेट सिग्नल मिलेगा. अब बात आती है कि यहाँ पे जो सेपरेशन है, जैसे हम लोग NMR वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग कपलिंग कांस्टेंट की बात करते हैं, सेपरेशन लाइंस के बीच के सेपरेशन का. तो यहाँ पे भी जो सेपरेशन होता है, इस सेपरेशन को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा ई क्यू से. किसे डिनोट करते हैं? डेल्टा ई क्यू से. और ये कहलाता है क्वाड्रोपोल स्प्लिटिंग कांस्टेंट. दिस सेपरेशन एनी सेपरेशन बिटवीन दीज टू लाइन्स इज कॉल्ड क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग कॉन्स्टेंट. इसको भी लिखिए क्वाड्रोपोल स्प्लिटिंग कॉन्स्टेंट. स्प्लिटिंग कॉन्स्टेंट. इतनी बात आ गई समझ में? ठीक. अब EFG अराउंड द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट अराउंड द न्यूक्लियस इज कंपोज ऑफ टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट. इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स EFG, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट अराउंड द न्यूक्लियस इज कंपोज ऑफ टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट. एंड वो टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट क्या है हम लोगों का? नंबर वन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन. नंबर वन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन. और नंबर टू है लिगेंड कॉन्फिग्रेशन. लिगेंड कॉन्फ़िगरेशन. अब यहाँ पे जो एक और होता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, लेकिन हम लोग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ही समझ लेंगे, क्योंकि जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है उसमें हम लोग अनसिमेट्रिकल फिलिंग की बात करते हैं. तो जब अनसिमेट्रिकल फिलिंग होगी तो उसको हम लोग कहेंगे नॉन स्फेरिकल अरेंजमेंट. और जब हमारे पास सिमेट्रिकली फिलिंग होगी तो उसको हम लोग कहेंगे स्फेरिकल अरेंजमेंट. ठीक है. तो यहाँ पे जो हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है वो मेनली डिपेंड करता है इन दोनों पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर और लिगेंड कॉन्फ़िगरेशन पर. तो इतना नोट कर लिया है. हम लोग चलते हैं एक एक करके अपने एग्जांपल पे.
एक एक करके अपने एग्जाम्पल पे चल रहे हैं, इसको लिखो। तो हमारा फर्स्ट वन जो एग्जाम्पल है कि अब अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, तो हमारा किस का है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर से लिख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो ईएफजी डिपेंड करता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, लिगेंड कॉन्फ़िगरेशन पे। ओके, सो इसमें अब आप लोग ये बताइए, जैसे कल हम लोगों ने देखा हुआ था अपने प्रीवियस वीडियो में, एफ ई टू प्लस है और एफ ई थ्री प्लस है। एफ ई टू प्लस और एफ ई थ्री प्लस हाई स्पिन और लो स्पिन में ब्रेक किया था कि नहीं किया था? बिल्कुल किया था, हाई स्पिन एंड लो स्पिन, देयर इज लो स्पिन एंड हाई स्पिन। सो एफ ई टू प्लस का मतलब है डी सिक्स और एफ ई थ्री प्लस का मतलब है डी फाइव। सो हाई स्पिन के केस में ये क्या हो जाता है, टी टू जी सिक्स है ना, तो टी टू जी फोर ई जी टू हो गया, और लो स्पिन के केस में ये टी टू जी सिक्स एंड ई जी जीरो हो गया। अब यहाँ पे हाई स्पिन की अगर बात करें तो ये टी टू जी और ई जी में ब्रेक होता है, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स कंसीडर कर रहे हैं, तो टी टू जी और ई जी फाइव है, थ्री इसमें आएगा और टू इसमें आएगा। लो स्पिन के केस में टी टू जी यहाँ पे पाँच का पाँच आ जाएगा और ई जी जीरो। अब आप लोग जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की जो वीडियोस हैं वहाँ पे देखेंगे, या आप लोगों ने खुद पढ़ा भी होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो टी टू जी और ई जी क्या होते हैं, इस तरीके से होते हैं, दिस इज़ टी टू जी एंड दिस इज़ ई जी। सो अगर टी टू जी में तीन इलेक्ट्रॉन है और ई जी में दो इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स सिमेट्रिकली फील्ड। इसमें छः इलेक्ट्रॉन है, इसमें चार इलेक्ट्रॉन है, सिमेट्रिकली फील्ड, और इनसे अलग है तब ये अनसिमेट्रिकली फील्ड कहलाएंगे। तो अब आप लोग यहाँ देखिए, एफ ई टू प्लस है और डी सिक्स कॉन्फ़िगरेशन है और ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया हमारे पास, टी टू जी फोर ई जी टू। अब ई जी के में टोटल एनर्जी लेवल कितने हैं, टोटल ऑर्बिटल टू होते हैं, तो ये तो देखिए ई जी सिमेट्रिकली फील्ड है, लेकिन टी टू जी फोर वन टू थ्री एंड देन फोर, तो टी टू जी अनसिमेट्रिकली फील्ड हो गया। अब अगर ये अनसिमेट्रिकली फील्ड हो गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अनसिमेट्रिकली फिलिंग हो गया तो इसको हम लोग कहेंगे नॉन स्फेरिकल अरेंजमेंट, नॉन स्फेरिकल अरेंजमेंट। और यहाँ पे ई एफ जी की वैल्यू कैसी होगी, नॉन जीरो होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट हमें मिलेगा। टी टू जी सिक्स और ई जी के केस में अगर देखें तो यहाँ पे स्फेरिकल अरेंजमेंट होगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली फील्ड है, तो स्फेरिकल अरेंजमेंट होगा, और ई एफ जी यहाँ पे कितना होगा, जीरो होगा। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी क्या, कौन सा अरेंजमेंट है, स्फेरिकल अरेंजमेंट है। ई एफ जी की वैल्यू कितनी होगी, ज़ीरो होगी, और यहाँ पे अनसिमेट्रिकल फिलिंग है तो नॉन स्फेरिकल अरेंजमेंट है। यहाँ पे कौन सा अरेंजमेंट है, नॉन स्फेरिकल अरेंजमेंट है, दैट मीन्स ई एफ जी नॉन जीरो हो जाएगा। तो ई एफ जी नॉन जीरो का मतलब है कि इस केस में क्वाड्रोपोल क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग होगी। आगे इनका हम लोग एप्लीकेशन देख रहे हैं, अभी अभी इसको हम लोग बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं। तो क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग होगी, जब ई एफ जी जीरो होगा तब कोई भी क्वाड्रोपोलर, तब इस केस में नो क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग, नो क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग। अब इसमें बताइए ई एफ जी जीरो है, क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग होगी या नहीं होगी, क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग नहीं होगी। ई एफ जी नॉन ज़ीरो है, नॉन स्फेरिकल अरेंजमेंट है, क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग होगी, यस ऑफ कोर्स होगी। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और कल हम लोगों ने जनरली ऐसे ही देख लिया था कि कौन सा हम लोगों का डेल्टा वैल्यू ज़्यादा होगा और किसका डेल्टा वैल्यू कम होगा। आज हम लोग उसके कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, उसकी मैकेनिज्म पे चल रहे हैं, उसके एप्लीकेशन पे चल रहे हैं। सो इतना नोट कर लीजिए, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और लिगेंड कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग को अफेक्ट करता है, अब हम लोग वो पढ़ने जा रहे हैं। तो इतना नोट करिए, दो फर्स्ट वन एग्जांपल है हमारा, फर्स्ट एग्जांपल है
कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और लिगेंड कॉन्फ़िगरेशन दोनों ही सिमेट्रिकल हो जाएं। तो हम लोग ये तो समझ चुके, लिगेंड कॉन्फ़िगरेशन को भी समझ लेते हैं। लिगेंड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि अगर हमारे पास ML4 या ML6 टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स है, L सेम टाइप के लिगेंड हैं, दैट मीन्स ML4 टेट्राहेड्रल एंड ML6 ऑक्टाहेड्रल, ए स्फेरिकल अरेंजमेंट हो गया। स्फेरिकल अरेंजमेंट होने का मतलब है लिगेंड कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अगर स्फेरिकल हो जाएगा, तो दोनों ही केस जब स्फेरिकल बन रहे हैं तब कोई भी क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग नहीं होगी, वहां पे EFG की वैल्यू ज़ीरो होगी। सो ML4 एंड ML6, अब अगर कंडीशन आ जाए ML3 ए एंड ML5 ए टाइप की, तब इसमें हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए, अब अरेंजमेंट लिगेंड का कैसा हो गया, डिफरेंट हो गया। ये इसका मतलब है कि अब स्फेरिकल अरेंजमेंट नहीं बचा लिगेंड का, नहीं। तो ये चीज़ तो हम लोगों को पता चल गई। अब अगर हमारे पास मेटल आयन है, तो मेटल में हम लोग देखेंगे कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से है, स्फेरिकल है या नॉन स्फेरिकल है। तब उस बेसिस पे हम लोग बता पाएंगे कि क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग स्ट्रॉन्ग होगी या क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग वीक होगी। सो अब हम उसी एप्लीकेशन पे चलते हैं। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ML6 और ML5 के उसमें भी हम लोग डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देख रहे हैं, द फर्स्ट एग्जांपल इज K4FeCN6। हम लोग एप्लीकेशन पार्ट पे चल रहे हैं, K4FeCN6, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग बताइए Fe कौन सी स्टेट में है, Fe+2 स्टेट में है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D6 हो गया। और अगर हम लोग इसके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग लिखें तो T2G हाई स्पिन है, T2G6 एंड EG0। सो FeCN, अब यहाँ पे अगर आप लोग लिगेंड का भी इन्वायरमेंट देखें, तो एक Fe कितने लिगेंड से घिरा हुआ है, सराउंडेड बाय 6 लिगेंड, एंड दिस इट विल फॉर्म कोऑर्डिनेशन, इट विल फॉर्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लाइक दिस एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सो आप यहाँ पे बताइए, जो लिगेंड का एनवायरनमेंट है वो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? तो देखने से लग रहा है सारे लिगेंड सेम टाइप के हैं, मेटल एक है, तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट हो गया वो कैसा हो गया, लिगेंड का सिमेट्रिकल अरेंजमेंट हो गया ना। तो अब जब सिमेट्रिकल अरेंजमेंट हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्फेरिकल अरेंजमेंट। और स्फेरिकल अरेंजमेंट के केस में क्या लिगेंड कॉन्फ़िगरेशन क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग को अफेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़ यानी नो इफेक्ट इन क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग, ठीक है, नो इफेक्ट इन क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। किस वजह से, ड्यू टू लिगेंड कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया, ये हो गया। अब हम लोग लिगेंड की वजह से देख लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से भी देख लेते हैं। बताइए, जो T2G और EG हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन की फ्लिंग है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो स्फेरिकल है या नॉन स्फेरिकल है? तो T2G में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, और उसमें टोटल मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, 3 होंगे और 6 होंगे, तो वो स्फेरिकल अरेंजमेंट कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, T2G 6 है, कैसा अरेंजमेंट है, कैसा है, अरे भाई स्फेरिकल है ना, तो स्फेरिकल अरेंजमेंट हो गया। तो जब स्फेरिकल अरेंजमेंट होगा, तो इस केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोई इफेक्ट होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। सो नो इफेक्ट इन क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट इन क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई इफेक्ट पड़ा, नहीं पड़ा। तो अब ये जो हमारा फर्स्ट केस आया, इसको हम लोग किस में कंसीडर कर सकते हैं, इफ़ बोथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड लिगेंड कॉन्फ़िगरेशन आर स्फेरिकल
स्फेरिकल दैट मीन्स देयर इज EF and that means EFG is equal to zero and no quadrupolar splitting takes place इतना लिखिए that means that implies singlet signal is obtained समझ गए कितना आसान है। तो मोजवायर स्पेक्ट्रोस्कोपी को जनरली इतना आसान कहीं पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल आसान लैंग्वेज में पढ़ना है और क्वेश्चन कैसा भी पूछ लिया जाए कभी गलत नहीं होगा इसका। हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे इनके। तो अगर हम लोग देखें तो इंटेंसिटी क्या हो गया है इंटेंसिटी वर्सेस स्पीड का अगर हम लोग बात करें, mm पर सेकंड की बात करें, तो हम लोगों को जो ग्राफ मिलेगा वो किस तरीके से मिलेगा, ओनली सिंगलेट सिग्नल इज ऑब्टेंड। इतनी बात समझ में आई, नोट कर लो इसको। वीडियो की लेंथ पे मत जाइएगा, कॉन्सेप्ट अगर समझना है तो हम लोगों को थोड़ा स्लो भी चलना पड़ेगा। तो हम लोग केस टू ले रहे हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं Fe(H2O) होल 6Cl2। अगर पढ़ाई करना है तो वीडियो अगर लंबी भी हो रही है तो उसको देख लेना चाहिए, क्योंकि आराम से जब हम लोग यूट्यूब पे 2 से 3 घंटे मूवी देखने के लिए स्पेंड कर सकते हैं तो पढ़ाई के लिए भी निकालना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए वीडियो की लेंथ पे मत जाइए, ये कॉन्सेप्ट पे हमेशा जाइए कि कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेनेशन किस तरीके से हो रहा है। तो Fe(H2O) का होल 6 एंड Cl2 है, तो अब यहाँ पे बताइए कि जो लिगेंड का हमारा अरेंजमेंट है वो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। तो लिगेंड हमारे डिफरेंट हो गए कि नहीं हो गए, लिगेंड का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो गया ना। तो अब अगर डिफरेंट हो गया और यहाँ पे आप देखिए ये H2O है और Cl है, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में भी जाएगा, तो Fe2+ हो गया, D6 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। तो T2G और EG का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कितना जाएगा, 4 और 2 में जाएगा ना। अब यहाँ पे बताइए डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो सिमेट्रिक है बिल्कुल है, और इस सिमेट्रिक को हम लोग क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल है। जो हमारा अरेंजमेंट है वो अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल होने का मतलब है नॉन स्फेरिकल है, और नॉन स्फेरिकल होने का मतलब है EFG, आप लोग बिल्कुल ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखना है, EFG नॉन ज़ीरो है। EFG नॉन ज़ीरो का मतलब है क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग होनी है, बिल्कुल होनी है। यस ऑफकोर्स होगी। तो इतने बात समझ में आ गया, हाँ अनसिमेट्रिकल फिलिंग है तो नॉन स्फेरिकल है, EFG इसमें नॉन ज़ीरो होगा, क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो हम लोगों ने ये कौन सा कंप्लीट किया, अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला टर्म। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ बताइए यहाँ पे जो लिगेंड का भी अरेंजमेंट है वो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। तो सॉरी यहाँ पे 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो लिगेंड का अरेंजमेंट है वो भी डिफरेंट है, सिमेट्रिकल वे में नहीं है। अब सिमेट्रिकल वे में नहीं है दैट मीन्स ये भी क्या, लिगेंड का अरेंजमेंट भी कैसा हो गया, बिल्कुल क्रम से लिखेंगे। लिगेंड का कॉन्फ़िगरेशन है या अरेंजमेंट है वो कैसा है हमारे पास, अनसिमेट्रिकल है, बिल्कुल है। अनसिमेट्रिकल होने का मतलब नॉन स्फेरिकल है। नॉन स्फेरिकल होने का मतलब क्या है, EFG नॉन ज़ीरो है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट कुछ ना कुछ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट अगर नॉन ज़ीरो है तो क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग होगी। तो अब यहाँ पे हमारा केस टू क्या बन गया, केस टू बन गया if both electronic configuration and ligand configuration have unsymmetrical arrangement or non-spherical arrangement
पॉइंट बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको लिखिए, नॉन स्फेरिकल अरेंजमेंट दैट मीन्स देन ई एफ जी नॉन ज़ीरो, क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग, क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस, यस ऑफ कोर्स क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, टेक्स प्लेस विद मैक्सिमम डेल्टा ई क्यू, विद मैक्सिमम डेल्टा ई क्यू, मतलब ये हुआ कि हमें जो सिग्नल मिलेगा उनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो मैक्सिमम होगा इस केस में, जब दोनों ही अनसिमेट्रिकल होंगे, लिगेंड कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक लिगेंड कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोथ आर अनसिमेट्रिकली और नॉन स्फेरिकल अरेंजमेंट, देन ई एफ जी इज नॉन जीरो एंड क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग विल टेक प्लेस विद मैक्सिमम डेल्टा यू, डेल्टा ई, दैट मीन्स कि अगर हम लोग इंटेंसिटी और स्पीड के बीच में ग्राफ खींचें तो इनमें जो हमारा डबलेट सिग्नल होगा, जो सिग्नल मिलेगा, इनके बीच की ये जो डिस्टेंस होगी वो मैक्सिमम होगी, डेल्टा ई क्यू मैक्सिमम होगा। इतनी बात समझ में आ गई, तो ये हो गया हमारा केस नंबर टू। केस नंबर थ्री पे चलते हैं, तो अब इस केस नंबर थ्री पे हम लोग चल रहे हैं, वो क्या है केस नंबर थ्री? केस नंबर थ्री कहेगा कि कोई एक अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए और कोई एक सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए। सो थर्ड वन इज व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम लोगों का थर्ड केस लिखिए, व्हेन इन शॉर्ट लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉन स्फेरिकल हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक कैसा हो जाए, नॉन स्फेरिकल अरेंजमेंट हो, नॉन स्फेरिकल अरेंजमेंट हो, और जो लिगेंड का कॉन्फ़िगरेशन है, लिगेंड कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा हो जाए, स्फेरिकल अरेंजमेंट हो जाए उसका, स्फेरिकल अरेंजमेंट। तो इस केस में अब इसका जो एग्जांपल है वो हम लोग K3 FeCN6 से समझ सकते हैं, K3 FeCN6 से समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये बताइए कि जो लिगेंड हैं 6, तो अगर हम लोग इसका कॉम्प्लेक्स लिखें तो जो ऑक्टाहाइड्रल मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा, CN और यहाँ पे CN। तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जो लिगेंड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वो तो हमारा स्फेरिकल अरेंजमेंट हो गया इस। और अब हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, Fe3+ है, D5 का D5 कॉन्फ़िगरेशन, और CN एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सो अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी T2-5 एंड Eg0, T2-G में ही पांचों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ये कैसा हो गया, नॉन स्फेरिकल हो गया, अनसिमेट्रिकल फिलिंग है ना, तो नॉन स्फेरिकल हो गया। नॉन स्फेरिकल होने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की वैल्यू नॉन ज़ीरो होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट नॉन ज़ीरो होगा, इसका मतलब क्या है, क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग होगी, क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग होगी, मतलब यहाँ पे हमें सिग्नल मिलेगा, डबलेट सिग्नल मिलेगा, बट डबलेट सिग्नल मिलेगा बट मॉडरेट वैल्यू ऑफ, बिल्कुल पॉइंट वाइज लिखना है, मॉडरेट वैल्यू ऑफ डेल्टा ई क्यू। जब दोनों ही अनसिमेट्रिकल थे, नॉन स्फेरिकल थे, तब मैक्सिमम था, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉन स्फेरिकल है और लिगेंड का कॉन्फ़िगरेशन स्फेरिकल है, तब जो सेपरेशन होगा डबलेट के बीच में, जो हमें डबलेट सिग्नल मिल रहा है वो कैसा होगा, मॉडरेट होगा, दिस इज डेल्टा ई क्यू, मॉडरेट होगा, और इसमें जो क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग होगी। सो दिस इज अवर थर्ड केस, एंड द लास्ट केस इज व्हेन अब लास्ट केस में हम लोग क्या देख सकेंगे, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो अरेंजमेंट है वो कैसा हो जाए, स्फेरिकल हो जाए, और लिगेंड का जो अरेंजमेंट है वो कैसा हो जाए, नॉन स्फेरिकल अरेंजमेंट हो जाए। तो अब यहाँ पे हमारा एग्जांपल भी चेंज हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एग्जांपल अवश्य चेंज हो जाएगा। तो इसका जो एग्जांपल
इसमें हम लोग एग्जांपल अगर देखें तो देखो इसमें हम लोग लिख लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का स्फेरिकल, तो नॉन स्फेरिकल अरेंजमेंट किस में है? लिगेंड में नॉन स्फेरिकल अरेंजमेंट है, लिगेंड में नॉन स्फेरिकल अरेंजमेंट है। EFG जीरो होगा, क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग होगी, डबलेट सिग्नल होगा, बस मॉडरेट की जगह क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा EQ हो जाएगा। समझ में आया? मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा EQ। इसका एग्जांपल आप लोग लिखिए, इसका एग्जांपल है जो फोर्थ केस है, इसका एग्जांपल आएगा K2 Fe CN5 NO। K2 Fe, यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका प्लस 2 हो जाएगा, X हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो X माइनस ये 3 हो गया, X माइनस 2 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू प्लस 2 हो गया। ठीक है, X इज इक्वल टू प्लस 2 का मतलब है Fe 2 प्लस स्टेट में है, 2 प्लस स्टेट में होने का मतलब है D6 कॉन्फ़िगरेशन है, D6 कॉन्फ़िगरेशन, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है, CN और NO दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो T2G6 Eg 0 हो रहा है, ये स्फेरिकल अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है? स्फेरिकल अरेंजमेंट है, और स्फेरिकल अरेंजमेंट होने का मतलब है कोई EFG वैल्यू कितनी है? 0 है। क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग इस केस में नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे जो लिगेंड का अरेंजमेंट है वो नॉन स्फेरिकल है, इस वजह से क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग तो होगी, लेकिन जो क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग होगी और डबलेट सिग्नल मिलेगा, उनके बीच में जो सेपरेशन होगा वो कैसा होगा? कम होगा, और यानी लीस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा EQ। इतनी बात समझ में आई? तो ये हमारा क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट था। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और अब हम लोग अपने कल की वीडियो में पढ़ेंगे मैग्नेटिक स्प्लिटिंग। तो आप लोग पहले इसको काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, तो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें। और काफ़ी अच्छा था ना आज का लेक्चर, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।